तो भाई इमिग्रेशन हो गया और मैं आ गया हूँ ड्यूटी फ्री में दुबई की श्रीलंका की। हेलो गाइस, वेलकम टू एन अनदर ब्लॉग। ये श्रीलंका का आखिरी ब्लॉग होगा, इसके बाद मैं आपको इंडिया ही मिलूंगा। तो अभी मैंने टुक टुक मंगाया, तो टुक टुक आ रहा है, फिर चलते हैं। और ये यहाँ पे जस्ट बगल में रेलवे स्टेशन टाइप का है और सामने है बीच और ये बुद्धा का कोई तो मंदिर है। तो ऑटो आ जाए, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई टुक टुक आ गया, मैं जा रहा हूँ कोलंबो को यहाँ से 27-28 किलोमीटर। हम मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट की साइड पर। बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी इस टाइप से यहाँ पे कुछ पेट्रोल डलाने रुके हैं। एक लीटर का प्राइस है 450 रुपये भाई, बहुत इन्फ्लेशन रेट आई है। तो पेट्रोल डलाते हैं, देन कुछ गो 2 लीटर तेल डलाया भाई 904 रुपये का, बहुत महंगा भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, पहुंच चुका हूं मैं कुछ, अब जाएंगे अंदर, कराएंगे, लेंगे बोर्डिंग पास तो बैठ जाएंगे। फिर रात के बज गए 12, काफी अंग्रेजों का आगमन हो रहा है। कहाँ से जाना है भाई? भाई मैंने जाना है उधर पर, आ रही है बारिश, सह लेंगे थोड़ा। अरे बुड्ढन जल्दी चल लो बुड्ढन, अरे बुड्ढन यार क्या करते हो यार, मार गांडे पोड़े अंदर पोड़े पोड़े पोड़े। तो भाई पहुंच चुके हैं डिपार्चर में। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज तो एक ही लग रहा है मुझे। भाई इतनी भीड़ लगी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी ऐसे। तो भाई यहाँ पे चेकिंग कराई थी अभी इधर पे, तो पता नहीं क्या है यहाँ पे, सिस्टम ही थोड़ा अलग है, ऐसे रोक रखा है, देखते हैं अब क्या होगा। भाई आ गया मैं अंदर, कुछ ऐसा है यहाँ का डिपार्चर, बहुत छोटा है भाई। अब मैंने जाना है इंडिगो, अब मैंने जाना है इंडिगो के काउंटर पे, बोर्डिंग पास ले लेता हूँ। दोबारा से सिक्योरिटी चेक करा ली भाई यहाँ पे। अब भूटा इंडिगो का काउंटर मिल गया सामने, और लेता हूँ बोर्डिंग पास। रख दिया भाई बैग, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। ठीक है भाई, भाई बोर्डिंग पास ले लिया है, अब जा रहा हूँ आगे। पता नहीं कहाँ जाना है भाई, समझ नहीं आ रहा है, सबके अलग कलेस है भाई। देखता हूँ कहाँ जाना है, थोड़ा अलग है यहाँ के एयरपोर्ट का सिस्टम, दिल्ली से और एयरपोर्ट से तो बहुत ही अलग है भाई। मुझे लगता है इस साइड कहीं जाना हो। तो भाई इमिग्रेशन कराने लगे हैं, ठीक है। तो भाई इमिग्रेशन हो गया और मैं आ गया हूँ ड्यूटी फ्री में दुबई की श्रीलंका की, कुछ ऐसी है भाई। मेरे को लेना तो कुछ नहीं है, जाते हैं सीधे। तो भाई हो गई बोर्डिंग चालू, जाने लग गए ऐसा। तो जी भाई बैठ गए फ्लाइट में, कुछ देर में उड़ जाएगी भाई।
भाई पहुंचते हैं भाई। पहली और बारिश आ रही है भाई यहाँ बहुत तेज। बारिश आ रही है भाई बहुत तेज। आज सुबह के बज रहे हैं 4:15। तो भाई इमिग्रेशन करा लेते हैं भाई। अब तो इतनी नींद आ रही है ना, अब सोऊंगा होटल लेके भाई। वेलकम टू चेन्नई। तो भाई इमिग्रेशन करा लिया, हम बैगेज क्लेम करते हैं फिर जाता हूँ भाई कहीं। भाई कस्टम वस्टम सब निपटा दिया है, अब जा रहा हूँ बैगेज क्लेम करने के लिए। 3 नंबर पर आएगा कह रहे थे, इस बार दिल्ली नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। उसके बाद फिर दोबारा 4 बजे की फ़्लाइट है, तो जो दोबारा आना पड़ेगा भाई। तब तो टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट, और 3 नंबर दिख नहीं रहा भाई। सबके बैग आ गए हैं, एक हमारी लाइन ही नहीं चली अभी तक, जाने कब चलेगी भाई। सब लोगों के यहाँ बैग आ गए, ऐसे कैसे चलेगा भाई जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जी आ गया बैग। भाई ले लिए बैग, बड़ी देर बाद आया भाई। अब जाता हूँ हॉस्टल पे, क्या खुला होता सही है, वरना फिर तो वापस एयरपोर्ट ही आना पड़ेगा, यहीं सोना पड़ेगा भाई। ठीक है, मिलता हूँ बाहर पर। ठीक है जी, बाकी कुछ ऐसा सा चेन्नई का एयरपोर्ट, बॉयज एंड गर्ल्स। और ये चेन्नई की ड्यूटी फ्री है, बहुत ही छोटी है भाई, क्या ही करना है, चलते हैं। तो भाई आ गया मैं बाहर, दोबारा से वहीं पे जहाँ से उस दिन भूल गया था रास्ता। अब जाएंगे कहीं तो कैंटीन में खाना खा लो यार पहले। तो भाई मैं एयरपोर्ट से आ गया था हॉस्टल, थोड़ी देर अभी खाली नहीं है रूम, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ड्रोन वगैरह चार्ज कर रहा हूँ और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह। बाकी ये कह रहे हैं कि 7:30 बजे तक मिल जाएगा, तब तक यहीं लेट जाता हूँ, बाकी सही है। ये होटल है हॉस्टल गांधी करके, बढ़िया है वैसे तो। तो ये देखो भाई कैसे सो रही है बिल्ली। तो मेरा टाइम हो गया जाने का, 12 बज गए, 4 बजे की फ्लाइट है, तो मैं निकलूँगा अभी। तो ये कुछ ऐसा है सेकंड फ्लोर होटल गांधी का चेन्नई में गाइस, चेक करें। तो भी जाने लगा हूँ हॉस्टल से, बगल में मेट्रो स्टेशन है, वो सीधे मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, तो निकलता हूँ मेट्रो स्टेशन को, पास में ही है यहीं पे। यहाँ गर्मी बहुत है भाई। और ये हॉस्टल कुछ ये भी ऐसे ही है अपार्टमेंट टाइप का, सारे फ्लाइट लैंडिंग की तरफ। हॉस्टल कुछ ऐसे में होटल हॉस्टल गांधी। तो चेन्नई भी काफ़ी सफ़र हुआ ख़त्म यहीं पे, अब हम सीधे निकलेंगे दिल्ली को। यहाँ से 13 मिनट का रास्ता है भाई मेट्रो, अगर मैं अभी कैब लेके जाऊँगा तो भाई काफ़ी यहाँ पे ना जाम रहता है ट्रैफिक के, उससे फिर मैं फंस जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ मेट्रो से। तो भाई टिकट ले लिया है यहाँ से मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट तक का, 30 रुपये का, काफ़ी सही है भाई। कल तो मैं 300 रुपये में आया था कैब से, और बगल में ये हॉस्टल है, और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं एयरपोर्ट पे, जा रहा हूँ डोमेस्टिक पे, यहाँ से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के हैं। हालत ख़राब हो गई भाई, अगली बार से इतना वेट, इतना कपड़े कपड़े नहीं लेके आने। जस्ट गोइंग।
तो भाई बोर्डिंग, तो भाई सिक्योरिटी चेक इन करा दी, फिर मैं आ गया था लाउंज पे, वही तो लाउंज है। और मैंने ये ले लिया खाने को, ठीक है जी भाई साहब, बोर्डिंग हो गई है चालू, तो मैं जा रहा हूँ अब गेट पे लाउंज से नीचे, देखते हैं अब। तो भाई बोर्डिंग हो गई है, अब जा रहे हैं फ्लाइट पर बैठने, और ये रही फ्लाइट इंडिगो, गो इंडिगो। अब मिलते हैं गाइस दिल्ली में, और ये जा रही है फ्लाइट। टेक ऑफ हो गई, बड़ी तेज बारिश आ रही है भाई, तो गड्डी भजती पर नहीं इतनी साड़ी रचती। तो भाई लैंड हो गए हैं दिल्ली में, अब बैग लेना है, बैग आने में जाने कितना टाइम लगेगा। बाकी बारिश आ रही भाई बहुत आज, तो भाई ले लिया बैग, अब जा रहा हूँ सीधे रुद्रपुर गाइस जी। भाई पहुँच गया मैं गाड़ी लेने अपनी, बारिश आ रही है, पूरा बैग भीग गया भाई। अब फटाफट गाड़ी लेता हूँ, निकलता हूँ भाई घर को, टाइम हो गया भाई 10 बज गए, रात को ही पहुंचूंगा 2-3-4 बजे रुद्रपुर। तो गाइस गाड़ी ले ली थी मैं, हापुड़ पहुंचने वाला हूं और पेट्रोल डलाने आ गया हूं, पेट्रोल डला के मिलते हैं अब आगे कहीं। तो जी बज गए 2:30 और मैं रुका था यहां पे पंजाबी पोटली में, कुछ मिल जाए खाने को तो देखता हूँ, कुछ है क्या होटल खुला है तो खा लेंगे, और क्या है वरना घर चले जाएंगे।